हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा लैपटॉप किसके लिए बेस्ट रहेगा। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने अपना लैपटॉप परचेस किया था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि कौन सा लैपटॉप लिया जाए, क्या ब्रांड होना चाहिए, क्या स्पेक्स होना चाहिए, मेरे लिए बेहतर है या नहीं, ज़्यादा महंगा ना हो जाए, और हाँ, बेस्ट तो होना ही चाहिए। गाइस, अगर आपके भी सारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, बिकॉज लैपटॉप्स के रिलेटेड मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, कुछ इस वीडियो में, कुछ नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट वाइज इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इस वीडियो में हमने बेसिकली यूजर्स को कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि अगर आप स्कूल में हैं और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो आपको किस टाइप का लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको किस टाइप का लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग या डेटा एंट्री का जॉब या फिर फ्रीलांसिंग जैसे वेबसाइट पर अगर आप जॉब करते हैं या करने वाले हैं और लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं कि किस टाइप का लैपटॉप लेना चाहिए, यही सब चीज़ मैं आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, हमारे कैटेगरी वन के लिस्ट में बेसिकली वो लोग आते हैं जिनको लैपटॉप पर ज़्यादा देर काम नहीं होता, और होता भी है तो बेसिक लेवल, लाइक जो स्कूल में पढ़ते हैं या मेडिकल करने वाले स्टूडेंट होते हैं, ये लोग बेसिकली लैपटॉप लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, PPT बनाने के लिए और वगैरह वगैरह। अगर आप DCA टैली जैसे कोर्स करना चाहते हैं या पार्ट टाइम में डेटा एंट्री जैसे जॉब करके पैसे कमाना चाहते हैं, यहाँ मैं एक बात बता दूँ, अगर आपको नहीं पता कि पार्ट टाइम में डेटा एंट्री का जॉब ऑनलाइन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बता दूंगा। एंड जो लोग जानते हैं या करने का सोच रहे हैं एंड कंफ्यूज्ड हैं कि मैं किस कैटेगरी में लैंड करता हूँ, मेरा मिनिमम बजट क्या होना चाहिए, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए कि जिससे मेरा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आपका काम अंडर 25,000 के लैपटॉप में हो जाएगा। बस आपको ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना होगा। जैसे अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करूं, तो इस कैटेगरी में लैंड करने वाले लोग को डॉस या विंडोज़ दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा जेन्युइन विंडोज़ लेने का, जो अंडर 25K में आ ही जाता है। और डॉस भी लेते हैं तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको भी पता है विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर विंडोज़ ही यूज करना है तब। और अगर नहीं पता विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, मैं इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बता दूंगा, जो कि एकदम सेम करेगा विंडोज़ के जैसा। अगर प्रोसेसर का बात करूँ तो आप इंटेल का i3 या राइजन का R3 ले सकते हैं, यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा AMD का प्रोसेसर, बिकॉज ये थोड़ा सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू इंटेल, बट AMD राइजन के प्रोसेसर में थोड़ा हीटिंग इशू होता है, बट अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं फिर ये इशू भी उतना नहीं होगा। अगर मैं ग्राफिक्स का बात करूँ तो इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही मोर देन इनफ होता है बेसिकली इस कैटेगरी के यूजर्स के लिए। वैसे ही SSD का इसमें कोई ज़रूरत नहीं होता है, बट अगर आपको हार्ड ड्राइव नहीं मिले और सिर्फ SSD मिले 250 GB तक का, फिर यही सही रहेगा अंडर 25,000 के लैपटॉप में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, RAM एटलीस्ट 4 GB तो होना ही चाहिए। इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 25K। सो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हमारे सेकेंड कैटेगरी में वैसे लोग आते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जिन्हें थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो, मैटलैब, CAD और 3D मॉडलिंग वगैरह वगैरह, वैसे लोग इस कैटेगरी में लैंड करते हैं, इवन मैं भी। और भी डिफरेंट यूजर्स होते हैं, जैसे कोई यूट्यूबर्स हो, वीडियो एडिटिंग करना हो, नॉर्मल लेवल गेमिंग करना हो, बेसिक लेवल ग्राफिक्स डिजाइनिंग करना हो, या फ्रीलांसिंग पे काम करना हो, ये लोग भी सेकेंड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिनका बजट अराउंड 40K 50K होना चाहिए। अगर कॉन्फ़िगरेशन का बात करूँ तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज़ जेन्युइन ही लेना बेहतर होता है, बिकॉज पायरेटेड में थोड़ा बहुत इशू आता है, वैसे काम चलाने वाले लोग मैनेज कर ही लेते हैं पायरेटेड विंडोज़ में भी। अगर प्रोसेसर का बात करूँ तो इंटेल का i5 या राइजन 5 भी ले सकते हैं, अगर इंटेल का लेना हो तो अबव 5 जनरेशन बेहतर रहेगा। अगर ग्राफिक्स का बात करूँ तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड के साथ कोई भी 2 GB तक का बेसिक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए, जैसे कि NVIDIA का MX110। अगर SSD का बात करूँ देन आपको एटलीस्ट 250 GB का SSD लेना चाहिए एंड 1 TB तक का हार्ड ड्राइव। अगर 500 GB का SSD और 500 GB तक का हार्ड ड्राइव भी मिलता है फिर ये कम्बिनेशन भी बेस्ट रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, RAM तो एटलीस्ट 8 GB तक का होना ही चाहिए। सो गाइज, हमारे थर्ड कैटेगरी में आते हैं हेवी यूजर्स, जिन्हें गेमिंग करना होता है लैपटॉप पे मास्टर लेवल का, एंड जिन्हें एडवांस लेवल का ग्राफिक्स डिजाइनिंग, या वैसे लोग जो इथिकल हैकिंग करते हैं वो भी इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिनका बजट का कोई सीमा नहीं होता, बट जिसको एटलीस्ट काम चलाना होता है वो अराउंड 70K के आसपास के रेंज में ले सकते हैं, काम चल जाएगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन का बात करूँ तो ऑब्वियसली विंडोज़ तो जेन्युइन ही होना चाहिए,
और जो इथिकल हैकिंग करते हैं वो अपना विंडोज़ में काली लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर का बात करूँ तो यहाँ मैं इंटेल का ही सजेस्ट करूँगा, बिकॉज नो डाउट AMD का प्रोसेसर काफ़ी सस्ता पड़ेगा, इवन AMD इंटेल को टक्कर भी देता है। बट पावर कंजम्पशन का बात करूँ तो इंटेल का ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जिससे हीटिंग इशू थोड़ा कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू AMD प्रोसेसर। स्टिल अगर आपको मन करे AMD का ही प्रोसेसर लेना तो आप ले सकते हैं और आपका इसमें पैसे भी बच जाएंगे। अगर ग्राफिक्स का बात करूँ तो इसमें मिनिमम 4GB का पावरफुल डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड तो होना ही चाहिए, बिकॉज इसके बिना गेमिंग में मज़ा ही नहीं आएगा। अगर रैम का बात करूँ तो 8GB का रैम तो होना ही चाहिए, बट इट विल बी बेटर इफ़ यू गो फॉर 16GB। SSD तो एटलीस्ट 500GB तो होना ही चाहिए अगर प्रो गेमिंग करना है तो, वहीं SSD 1TB तक ले सकते हैं। आपको ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। सो नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।